सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, दिस इज द पार्ट 5 ऑफ क्लास 9th आईसीएसई सर्कल चैप्टर सीरीज। तो गाइस, ये हम लोग का 5वां पार्ट है जो सर्कल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो उसका जो 5वां पार्ट, हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसे हम लोग की हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हम लोग की थ्योरम नंबर 24 है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि अगर कोई सर्किल है उस पर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ये हम लोग को प्रूफ करना, क्या हम लोग को प्रूफ करना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। कोई एक सर्कल है जिस पे दो कॉर्ड इक्वल है, तो उस दोनों के जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। गाइस, तो ये था हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखिए गाइस, टू प्रूफ हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या था। हम लोग को गिवन था ओ सेंटर है, ए बी इज इक्वल टू सेड ए। अब देखिए, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस हम लोग को बतानी है इक्वल है। तो ये देखिए हो गया गाइस, क्या बताना है हम लोग की, यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका हम लोग को नाम दे देते हैं P और Q नाम दे देते इसको, ये P ये Q। अब प्रूफ हमें क्या करना है, OP इज इक्वल टू OQ। नाम मैंने दे दिया क्योंकि प्रूफ में हम लोग को लिखना था। और कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं ज्वाइन OD एंड OB। क्या ज्वाइन OD एंड OB, जो OB और OD दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ, हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपको बीपी दिख रहा होगा, बी और ये पी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू हाफ ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर कोई एक लाइन है उसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो इक्वल है, तो ये लाइन इसकी हाफ हो जाएगी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके गाइस, तो ये हो गया BP इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब देखते हैं उसी तरह QD या DQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू हाफ CD। ये हो गया, कोई एक लाइन है वो बराबर हिस्सों, मतलब दो बराबर पार्ट में बटी हुई, और एक लाइन जो है वो दूसरे के डबल होगी या उसके हाफ होगी। ओके गाइस, अब देखिए ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ क्यू डी। क्या गाइस, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ओ क्यू डी, बट हमें दिया गया है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हम लोग को क्या था, गिवन था। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं आगे ट्रायंगल का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो बी पी और क्यू डी भी इक्वल हो जाएंगे। बी पी इज इक्वल टू क्यू डी, ये कैसे इक्वल हो जाएंगे, ये हम लोग की क्वेश्चन फर्स्ट, ये हम लोग की क्वेश्चन सेकंड, दोनों से क्या हुआ, ये हम लोग की थी क्वेश्चन फर्स्ट, ये थी हम लोग की क्वेश्चन सेकंड, दोनों से क्या हुआ, बी पी इज इक्वल टू क्यू डी। ओके गाइस, तो हम लोग को ये पता चल गया कि बी पी इज इक्वल टू क्यू डी, मतलब ये बी पी ये क्यू डी की इक्वल है। गाइस, तब तक के लिए आप यहाँ पे इस थ्योरम को आगे अपना दिमाग लगाइए, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ। सो देखिए गाइस, अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। हम लोग को ये पता चल गया था कि पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, इसे आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग देखते हैं कि बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी, ये हम लोग कह सकते हैं ओ डी क्यू। ओके गाइस, अब देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, कैसे होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ओके गाइस, अब देखिए पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी। क्या लिखे गए हम लोग, प्रूव्ड अबव।
ओके गाइस, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे एंगल ओ पी बी। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, किस लिए? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हम लोग का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इज इक्वल टू 90, दोनों 90 है। ओके गाइस, ये हो गया हम लोग का। इसमें हम लोग रीजन लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे। ओके गाइस, इससे हम लोग का क्या हुआ, सो जो ट्रायंगल ओ पी बी है और जो ट्रायंगल ओ डी क्यू है, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अभी किस रूल से कॉन्ग्रुएंस हुआ वो आपको मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हुआ है, सबसे पहले तो राइट एंगल 90 डिग्री का है, साइड और नीचे साइड, तो साइड एंगल साइड तो है नहीं, क्योंकि दो साइड के बीच में एंगल नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा हम लोग का बाई आर एच एस टेस्ट और बाई आर एच एस रूल। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बाई सी पी सी टी। तो गाइस, ये थी हम लोग की थ्योरम नंबर 24। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे थ्योरम नंबर 25। सॉरी गाइस, तो अगले वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 25 करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय।